हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसको बनाना बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, स्टॉल बना सकते हो, किसी भी चीज़ पे आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, कुछ भी बना लें। ये सीधी साइड से ऐसे नज़र आ रहा है और उल्टी साइड से ये देखिए ये ऐसे नज़र आएगा, बिल्कुल साफ डिज़ाइन पता चल रहा है कैसे कैसे बना हुआ है उल्टी साइड से भी। इसको आप किसी भी कलर में बना लेंगे, अगर लाइट कलर में बनाएंगे तब भी बहुत सुंदर लगेगा। डार्क कलर में सुंदर लग रहा है, लाइट कलर में भी उतना ही सुंदर लगेगा। कोई भी कलर ले लें, अपना मनपसंद कलर कोई भी ले लें, हर कलर पे ये डिज़ाइन खिल के आएगा। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे लेने हैं वो 10 के मल्टीपल से फंदे डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10-10 फंदे ऐसे गिनते जाएंगे, लास्ट में 2 फंदे आप एक्स्ट्रा डालेंगे एस स्टिच के लिए, 10-10 फंदे डालते जाएंगे। आप पहले बॉर्डर बना लेना, ये देखिए मैंने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा ऐसा वाला बॉर्डर बनाया। आप अपनी मनपसंद का कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। आप पहले बॉर्डर बना लेंगे, अगर बॉर्डर के ऊपर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो आप फ्रेंड्स ये बॉर्डर की ये वाली लास्ट वाली लाइन पे बॉर्डर पे फंदे बढ़ाएंगे, उल्टी रो में फंदे बढ़ाएंगे, इधर आते हुए फंदे बढ़ाएंगे, फिर राइट साइड से हमें इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। इसलिए आप उल्टी रो में पहले फंदे बढ़ा लें जितने बढ़ाने हैं, उसके बाद 10-10 के हिसाब से आप फंदों का हिसाब लगा लें, 2 फंदे एस स्टिच के लिए अलग से रख लें, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ साथ ही बनाया करो। मेरी पूरी कोशिश रहती है जब भी मैं डिज़ाइन बताऊं तो आपको बनाते समय कोई भी परेशानी ना आए, बिल्कुल आसानी से आप उस डिज़ाइन को बना लें। पूरा बोल बोल के रिपीट करती हूं फ्रेंड्स मैं, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, बेल आइकन फ्रेंड्स जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मैंने 10 के मल्टीपल से 20 फंदे डाल लिए और 2 फंदे मैंने एस्टिच के लिए डाल लिए, 22 फंदे डालिए हैं। अब डिज़ाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा स्किप कर लेंगे। अब 6 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, तीन चार पाँच 6 फंदे बना लिए। अब ये देखिए दोनों फंदों के बीच में से यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स, 2 फंदों के बीच में, ये देखिए 2 फंदे इधर बीच में से निकाला है, निकाल के सीधा बनाएंगे, ये देखिए सीधा बनाएंगे, इस फंदे को इधर लाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और पीछे की तरफ से सीधा बना लेंगे, ये देखिए फिर से इन दोनों फंदों के बीच में से यहाँ से निकालना है, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेके, ये देखिए इन दोनों फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से सीधा बनाएंगे, ये देखिए ये हमारा 10 फंदों का एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। 6 फंदे हमने सीधे बनाए, 2 फंदों के बीच में से निकाला, फिर पीछे की तरफ से 2 का एक किया, फिर से हमने वैसा ही रिपीट किया, 2 फंदों के बीच में से यहाँ से निकाला फ्रेंड्स, यहाँ से निकाला और फिर फंदे को इस साइड पे लाके 2 फंदों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से 2 का एक किया।
आगे फिर से हमें ऐसे ही 10 फंदों का डिज़ाइन फिर से आगे ऐसे ही रिपीट करना है। 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर से हम 2 फंदों के बीच में से निकाल लेंगे, इसे हम सीधा बनाएंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे इस फंदे को, फिर 2 फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 बनाएंगे। फिर वैसा ही एक बार और करेंगे, 2 फंदों के बीच में से निकाल लेंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे इस फंदे को, फिर 2 फंदों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे। ये हमारा सेकंड डिज़ाइन, फर्स्ट यहाँ तक, सेकंड यहाँ तक, स्टिच हम सीधा निकाल लेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो पहला फंदा स्किप करेंगे। अब हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए जाना है। उल्टी रो सारी फ्रेंड्स उल्टे उल्टे फंदे बनाते हुए ही कंप्लीट करनी है। डिज़ाइन हमारा सीधी साइड से ही चलेगा, पूरे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। सीधी साइड से थर्ड रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे। पहले यहाँ पे हमने 6 फंदे सीधे बनाए थे, अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बनाए। अब फिर से हमें इन 2 फंदों के बीच में से यहाँ से निकालना है, सीधा निकाला, थोड़ा लंबा रखेंगे इस फंदे को, फिर से 2 का 1 करेंगे पीछे की तरफ से, फिर आगे वैसा ही करेंगे, 1 इस साइड का फंदा लेंगे, 1 यहाँ से, ये देखिए सेंटर से निकाल लेंगे, 1 फंदा बनाएंगे, फिर ये वाले 2 फंदे एक साथ लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से वैसा पूरा डिज़ाइन फिर से वैसे ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अब 5 फंदे बनाए, फिर 2 के बीच में से निकाल के सीधा बनाया, फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 किया, फिर वैसे ही दूसरी बार भी वैसा ही किया, फिर अब इधर जो 1 फंदा बच गया वो हमने उल्टा बनाते जाना है, सीधे फंदे घटते जाएंगे, उल्टे फंदे इधर बढ़ते जाएंगे, फिर से वैसा ही रिपीट करेंगे। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, ये दोनों के बीच में से निकाल लेंगे, सीधा बनाएंगे, पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर से वैसा ही करेंगे, सीधा बनाया 2 फंदों के बीच में से, फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 किया, 1 फंदा बच गया, इसे हम उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधा बनाएंगे, उल्टी रो सारे फंदे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। स्टिच उल्टा बनाएंगे, सीधी रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4, फिर से इन दोनों के, 1 ये वाला सीधा लेंगे और इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकालना है, सीधा निकाला, फिर 2 फंदे इकट्ठे लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर से
इन दोनों फंदों के बीच में से यहाँ से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दो फंदों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे। अब यहाँ पे पहले हमने एक फंदा उल्टा बनाया था, अब दो फंदे उल्टे बनेंगे। इधर उल्टे फंदे फ्रेंड्स बढ़ते जाएंगे, ये देखिए पहले एक फंदा उल्टा बना फिर दो बने। इधर हमारे पास पहले छः फंदे थे, फिर पाँच हुए, फिर चार हुए, इधर कम होते जाएंगे, इधर उल्टे फंदे सीधे फंदे कम होते जाएंगे, उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन इस साइड पे ऐसे जा रहा है। फिर से हम चार फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकाल लेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे। फिर से इन दोनों के बीच में से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को सीधा लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, स्टिच हम सीधा निकालेंगे, उल्टी रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। सीधी साइड से पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, अब फिर से एक सीधा लेंगे और एक इन दोनों में से लेंगे, इनके बीच में से, यहाँ के बीच में से, दोनों फंदों के बीच में से निकालना है, सीधा बनाएंगे, अब दोनों फंदों को लेके दो का एक करेंगे पीछे की तरफ से। फिर आगे ऐसा ही करेंगे, दो फंदों के बीच में से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे। आगे हम अब तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से यही डिज़ाइन फिर से रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकाल लेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को इकट्ठा लेके दो का एक करेंगे पीछे की तरफ से। फिर दो फंदों को इकट्ठा लेके सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, स्टिच हम सीधा बनाएंगे और उल्टी रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड पे आगे पहला फंदा स्किप कर लेंगे, अब दो फंदे सीधे, एक दो, फिर से इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर से इन दोनों फंदों के बीच में से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे। अब चार फंदे हम, ये देखिए पहले तीन बनाए, अब चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार, यही डिज़ाइन आगे रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, अब इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकाल लेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर से इन दोनों फंदों के बीच में से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे। अब चार फंदे उल्टे, स्टिच सीधा बनाएंगे, उल्टी रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड पे आगे पहला फंदा स्किप करेंगे, अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे सीधा बनाते हुए। अब इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, अब इन दोनों फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे। अब हम यहाँ पे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर से ये डिज़ाइन इधर रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकालेंगे, एक फंदा सीधा,
फिर इन दोनों फंदों को इकट्ठे लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर से इन दोनों के बीच में से सीधा निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के पीछे से लेके दो का एक करेंगे, फिर आगे पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, स्टिच सीधा बनाएंगे, उल्टी रो उल्टे उल्टे फंदे बनाते हुए कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। उल्टी रो हमेशा ही उल्टे उल्टे फंदे बना के कंप्लीट करनी है, डिज़ाइन सीधे साइड से आएगा। सीधी साइड से पहला फंदा स्किप करेंगे। अब ये हमारे पास एक फंदा बच गया, यहाँ से दोनों के बीच में से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर आगे फिर से हम वैसा ही करेंगे, बीच में से सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास छः फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, आगे फिर से वैसा ही करेंगे, दो फंदों के बीच में से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, दो फंदे इकट्ठे लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर आगे ऐसा ही करेंगे, इन दोनों के बीच में से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर इन दो फंदों को इकट्ठा लेके पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, आगे फिर से हम छः फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, स्टिच सीधा निकालेंगे, उल्टी रो उल्टे उल्टे फंदे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हुआ। अब इधर छः फंदे थे सीधे, इधर छः फंदे उल्टे आ गए, हमारा डिज़ाइन इस साइड पे ऐसे जा रहा है, ये देखिए इस साइड पे ऐसे जा रहा है। अब फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, तो पहला फंदा स्किप करेंगे, छः फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर इन चार फंदों के पहले यहाँ से दो फंदों के बीच में से निकाल लेंगे, दो का एक करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, बीच में से निकाल के सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बनाते हुए हमने दो का एक करना है, फिर से ऐसे ही दो बार करेंगे, फिर से छः फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से आगे वैसे ही दो फंदों के बीच में से निकालेंगे, वैसे ही आगे बनाना है। यहाँ से फिर से हमारा दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से बताने की, ये देखिए बड़े पे बता रही हूँ, यहाँ से फिर से हमने सीधे बनाए, फिर से ये डिज़ाइन इधर को गया, ये फुल प्रोजेक्ट पे डालोगे तो ये ऐसे बनता जाएगा। इसे बना के ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।